हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज मैं लेकर आया हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 7। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। और पहली प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप इसमें समझोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में किस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है, राइट? उसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे चलती है और क्या उसका मैकेनिज्म होता है, राइट? और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, यानी कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा कंपाउंड तेजी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर लेता है, या ऐसे कह दो कि किस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होता है और क्यों होता है। तो इसके सारे रीजंस आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड के नजरिए से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एल्डिहाइड और कीटोन में से रिएक्टिव कौन ज्यादा है और क्यों है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, नोट्स बनाने शुरू करें और प्यारे से टॉपिक को ध्यान से, तसल्ली से, बिना टेंशन लिए, आनंद के साथ समझें, ठीक है? तो यहां पर हम हेडिंग लगा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है? एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ऑब्जर्व ये किया गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो सिंगल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिंगल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और मैंने आपको लेक्चर जब स्टार्ट हुए थे, हमारे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने ये बात बताई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम क्यों होती हैं। तो थोड़ा सा मैं उसको हल्का सा आपको रिवाइज कर देता हूं। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है RCHO। क्या होता है? RCHO एल्डिहाइड, और ये होता है RCOR मेरा कीटोन। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से देखेंगे इन दोनों कंपाउंड में क्या कॉमन नजर आया, क्या कॉमन नजर आया आपको, बताइए आप क्या कॉमन नजर आया। तो आपको कॉमन जो नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, CO ग्रुप कॉमन नजर आ रहा है। इसमें भी CO ग्रुप है और इसमें भी CO ग्रुप है, राइट? समझ में आ गया? ये दोनों जो ग्रुप होते हैं, ये जो CO ग्रुप होता है इसको कहते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और यही कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है पता है? रिएक्टिव साइट होती है। क्या होती है? रिएक्टिव साइट होती है, यानी रिएक्शन करने की जो जगह है कंपाउंड की वो यही होती है, राइट? समझ में आ गया? तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करेगा तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो 100% रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिव साइट है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन का। तो दोनों में सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, सेम टाइप के रिएक्टिव साइट है। समझ में आ गया? इसलिए जो प्रॉपर्टी ये शो करता है वही प्रॉपर्टी कीटोन भी शो करता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट तरीके से शो करेंगे, ठीक है? नहीं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। समझ में आ गया? बाद में। तो आज हम एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन वो करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले एक स्टेटमेंट लिख लो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो शो करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या शो करते हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों में ही सेम कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, CO ग्रुप, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लगभग सिमिलर होती है। तो जो प्रॉपर्टी एल्डिहाइड शो करता है वही प्रॉपर्टी कीटोन शो कर लेता है। समझ में आ गया? दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे हम,
ठीक है नहीं, बेटा इसको समझ में आ गया होगा। अब देखो पहली प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे हम, ध्यान से देखेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया। और देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखी तो हमें इसके आगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये। देखो किस तरह से होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका एक मैकेनिज्म ले रहे हैं हम, डायरेक्ट मैकेनिज्म। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसी को लेना है हमको यहां पर, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट है, RCO RCHO के अंदर भी CO ग्रुप होता है, RCOR के अंदर भी CO ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो केमिकल स्पीसीज है हमारी CO ग्रुप, ये होती है प्लेनर, क्या होती है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, sp2 है, और sp2 जो होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें होती है पोलैरिटी बॉन्ड में, क्या होती है पोलैरिटी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से हायर होती है, तो ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हम रख लेते हैं, ठीक है नहीं, समझ में आ गया। अब यहां पर इसके कॉन्टेक्ट में कोई न्यूक्लियोफाइल है, क्या है न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया क्या है न्यूक्लियोफाइल है। अब तुमने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या है इसका नाम, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ये, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो रिच केमिकल स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रो रिच केमिकल स्पीसीज है, आगे सुन में। और ये जो है, ये चीज जो दिखाई गई ये वाली कार्बन, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये कैसा कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है नहीं, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को। ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है इस एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप से, राइट। अब इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ, राइट। जब ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मान के चलेंगे जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसमें परमानेंट पोलैरिटी होती है, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में आ गया आपको कोई न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोरिच केमिकल स्पीसीज है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका काम होता है अटैक करना, क्या करना, अटैक करना, कहां करना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करना। तो ये आएगा और फटाक एकदम यहां पर अटैक मार देगा कार्बन पर, क्योंकि नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर, और इसको इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कमी पूरी करनी चाहेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस कार्बन पर तो क्या बनेगा, यहां पर ये दो बॉन्ड सेम रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब कार्बन पर होगा इसी के साथ ये बॉन्ड हो जाएगा, एनियो, इसका चार्ज भी खत्म, इसका चार्ज भी खत्म, आपस में चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर जो ये कार्बन आया है इसके कितने बॉन्ड है, चार, चार सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा,
जब कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं तो कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कन्वर्ट हो गया sp3 में, तो इसका शेप भी बदल गया होगा, इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है तो उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो एक टेट्राहेड्रल टाइप शेप की एक केमिकल स्पीसीज फॉर्म होगी, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल केमिकल स्पीसीज बनेगी। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, कार्बोनल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वहां पर एक टेट्राहेड्रल शेप की एक केमिकल स्पीसीज बनी जिसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। अब ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज जो होगी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, क्या करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, एच प्लस आयन एक्सेप्ट करेगी। कहां से, रिएक्शन मिक्सचर से। भाई रिएक्शन मिक्सचर में जब एल्डिहाइड और कीटोन को किसी सब्सटेंस से, किसी रिजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो उस रिजेंट में न्यूक्लियोफाइल भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, दोनों चीज होंगी, लेकिन दोनों का स्टेप वाइज एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, उससे फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहां से, रिएक्शन मिक्सचर से, और फाइनल एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट OH। समझ में आया, ये H आयन आया और यहां पर इस पर अटैक कर गया, H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसेस होता है स्लो होता है और ये प्रोसेस होता है फास्ट। कैसे होता है, फास्ट प्रोसेस है ये। आइवेशन में ये हमारा एल्कोक्साइड क्या है, इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट। तो जब भी आप एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हो, राइट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हो किसी एल्डिहाइड और कीटोन में, राइट, तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, जो कार्बोनल ग्रुप होगा CO उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर हमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करना होता है। फिर हम एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं टेट्राहेड्रल शेप का, समझ में आ गया। फिर उस इंटरमीडिएट पर प्रोटॉन जाकर अटैक कर लेता है, H प्लस आयन अटैक कर लेता है, राइट, उससे बन जाता है हमारा फाइनल एडिशन प्रोडक्ट। तो दो स्टेप में यह एडिशन हमारा फिनिश हुआ, एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो कंपाउंड है हमारा CO ग्रुप, ये CO ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिखाया गया CO ग्रुप, जो CO ग्रुप दिखाया गया है, ये जो CO ग्रुप दिखाया गया है ये वाला पूरा, ये क्या है, इसको बोल रहे हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कर रहे हैं इसको, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। किसका कार्बोनाइल ग्रुप है ये, एल्डिहाइड का हो सकता है ये, या फिर किसका हो सकता है, कीटोन का, जौन सा भी रिएक्शन करे उसका कार्बोनल ग्रुप है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो उसके कार्बोनल ग्रुप को स्ट्रक्चर जब बनाओगे आप इसके एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन के ड्यूरिंग, रिएक्शन के ड्यूरिंग से एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनल ग्रुप है CO ग्रुप, उसको इस तरह से खोल लेना, पहले ओपन कर लेना, राइट, फिर उसके कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना और H पॉजिटिव को ऑक्सीजन पर। ये मैकेनिज्म इस तरह से चलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तक मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब सवाल यह आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन करने की स्पीड है न्यूक्लियोफाइल के साथ में, क्या वो सेम होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों सेम नहीं होगी। ये बताया जाता है कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से ज्यादा होती है। तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा क्यों होती है, इसको समझेंगे। बना दे मेरे प्यारे बच्चों इसको, ठीक है।
ध्यान से देखो जरा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी में अगर कंपेयर करें तो एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एडिंग लगा लें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी। तो इसका स्टेटमेंट यह है मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान सुनो ना, नोट करो यार जल्दी जल्दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड्स में ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो जाती है कीटोन के ऊपर। इसके रीजन लिख लें, हम रीजन क्या है इसके, रीजन देखें, रीजन नंबर वन, दो रीजन है इसके। एक तो रीजन है मेरे प्यारे बच्चों स्टेरिक इफेक्ट, क्या है स्टेरिक इफेक्ट। रीजन क्या है स्टेरिक इफेक्ट, ध्यान से देखेंगे इसको। जो हमारा RCHO, ठीक है, समझ में आ गया, और ये है मेरे पास RCOR, कीटोन है, ये क्या मेरा कीटोन है, और ये क्या मेरा एल्डिहाइड है। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में सेम है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पर कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर चार्ज कैसा होता है पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इसी कारण पर होगा एल्डिहाइड में भी। यहां पर भी यही सिचुएशन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें भी होगा, कार्बन पर होगा, समझ में आ गया, लेकिन इसमें होगा स्लो अटैक, क्या होगा स्लो अटैक होगा, और इसमें क्या होगा फास्ट अटैक होगा। ऐसे क्यों हो रहा है जी, दोनों में सीओ, उसमें सीओ, इस पर अटैक न्यूक्लियोफाइल ने क्यों तेजी से किया, इसमें स्लो क्यों किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको समझो कि कैसा अटैक स्लो हो रहा है इसमें न्यूक्लियोफाइल, इसमें कीटोन में, इसमें फास्ट हो रहा है। देखो ये जो ग्रुप दिखाया गया है एल्काइल, ये जो ग्रुप दिखाया गया एल्काइल, ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट डालता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक में, क्या डालता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक में रुकावट डालता है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, एल्डिहाइड में कार्बन पर कितने एल्काइल कनेक्ट है, एक, तो यहां पर एक एल्काइल स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा होगा। कीटोन में कार्बोनल कार्बन पर कितने एल्काइल्स है, दो है, तो बताओ इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगी दो एल्काइल की वजह से। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होता है, क्योंकि भैया दो पहरेदार खड़े मजबूत तरीके से, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको हिंड्रेंस देंगे दोनों एल्काइल, रुकावट डालेंगे, राइट, ताकि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा बहुत स्लो हो जाएगा। तो इन दो एल्काइल की वजह से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक बहुत स्लोली किया, क्योंकि इन्होंने दोनों ने स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लगा दिया, रुकावट ज्यादा दे दी न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच में, जिससे कि ये अटैक तो कर पाया लेकिन जितनी तेजी से अटैक करना था इसको इतनी तेजी से अटैक नहीं कर पाया, इसलिए कम रिएक्ट किया। तो इसको लिख रहे हम थोड़ा सा, समझ में आ गया, यहां पे लिख देता हूं इसको मैटर को। इन एल्डिहाइड्स
एल्डिहाइड्स में स्टेज हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेज हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। स्टेज हिंड्रेंस क्या होती है, लेस होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेज हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एल्काइल की वजह से होती है स्टेज हिंड्रेंस कम, राइट। व्हाइल इन कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज ग्रेटर, ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल्स। इसलिए एनहेंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इसलिए कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड्स होते हैं। इतनी बात समझ आई मेरे प्यारे बच्चों को, बस सिंपल है। एल्डिहाइड में एक एल्काइल, कीटोन में दो एल्काइल। इसका स्टेज हिंड्रेंस ज्यादा, इसलिए रिएक्टिविटी इसका स्टेज हिंड्रेंस कम और रिएक्टिविटी ज्यादा, इसमें स्टेज हिंड्रेंस ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो यहां पर एल्काइल्स का इफेक्ट पड़ रहा है, बस एक एल्काइल इसमें है, स्टेज हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसमें दो एल्काइल से स्टेज हिंड्रेंस ज्यादा है और रिएक्टिविटी कम है। तो ये आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से, इसको नोट कर लें। तो एक रीजन से हमने बता दिया स्टेज हिंड्रेंस के बेस पर, नोट कर लें, इसे समझ में आ गया होगा सबके, देख लें इसको जरा, नोट हो गया, मिटा दे इसको, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे सेकंड रीजन देखो, इसका सेकंड रीजन देखें इसका, ठीक है। सेकंड रीजन देख, इलेक्ट्रॉनिक रीजन देखें इसका भैया, ध्यान से देखो, यह हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, और ये मेरा क्या है, कीटोन है। समझ में आ गया था ना। अब ध्यान से देखो, जो आपका एल्डिहाइड है उसमें कार्बन पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पे इधर शिफ्ट रहता है ऑक्सीजन की तरफ, और कीटोन में भी इस तरह से होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। इन कार्बनों को क्या कहते हैं, हम दोनों को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इन्हीं कार्बनों पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक है यानी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है जी। और ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एल्डिहाइड का, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। अब जरा ध्यान समझेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चे, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, जो एल्काइल ग्रुप होता है हमारा, वो हमने पढ़ा है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है हमारा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया, क्या होता है, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होता है, और क्या शो करता है, शो करता है पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसकी तरफ, डोनेट करेगा इस कार्बन की तरफ। जब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कार्बन का वो रिड्यूस होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है इस कार्बन का वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर बेटर अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा लेकिन बेटर अटैक नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी दो एल्काइल लग रहे हैं, ये दोनों एल्काइल
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन की तरफ, समझ में आ गया। तो यहां पर ये एल्काइल और ये एल्काइल दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को दे रहे हैं, जिससे कि इसका इलेक्ट्रोफिल करेक्टर भी कम हो रहा है, समझ में आ गया। कीटोन के अंदर इलेक्ट्रोफिल करेक्टर कम कर रहे हैं दोनों, पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब ये ध्यान से देखना है कि इस कार्बोनल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर तेजी से रिड्यूस हुआ या इस कार्बन का हुआ, बताओ। इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर तेजी से रिड्यूस हुआ, तेजी से कम हुआ, क्योंकि यहां पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहे थे, कितने एल्काइल कर रहे थे, दो, और यहां पर एक एल्काइल डिक्रीज कर रहा था। और मैं बता दूं, जितना इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम होगा, जितना इस पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज कम होगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो कैसा होगा, वेरी स्लो होगा। समझ में आई बात आ गई, क्या होगा, वेरी स्लो होगा। इसलिए कह सकते हैं कि कीटोन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इतना फास्ट नहीं कर पाएगा जितना कि एल्डिहाइड में कर जाएगा। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल से कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो ये तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। जितना चार्ज यहां पर कम होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही कम 100%, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर का हमेशा ही कम ही होगा, क्योंकि यहां पर दो एल्काइल के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज्यादा घटा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कीटोन की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स वो बहुत कम होती है, और एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है वो कीटोन से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर से भी हमने बता दिया कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा ही होगी। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा सा मैटर बना के नोट कर लेंगे इसको। इन एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल कार्बन जो होता है, कार्बोनाइल कार्बन होता है कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, वेरी सॉरी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कीटोन, देन कीटोन, देन कीटोन, क्यों, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो होता है ऑफ कार्बन इन एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड वो रिड्यूस होता है, क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है ओनली ओनली बाय वन एल्काइल, ओनली बाय वन एल्काइल, ओनली बाय वन एल्काइल, वन एल्काइल, समझ में आ गया। तो इसको भी हमारा नोट कर लेना, ध्यान से देख लो, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है कीटोन कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो होता है कार्बन के एल्डिहाइड में वो एक एल्काइल से ही रिड्यूस होता है। समझ में आ गया इतना, कि यहां तक कोई दिक्कत भी प्यारे बच्चों को, नोट कर लें इसे। बैठा दे इसको, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एज नोट करके लिखेंगे इसको, एज नंबर ऑफ या एज कार्बन चेन इन, एज कार्बन चेन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जैसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन की चेन बढ़ती है तो क्या होता है, ओवरऑल 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 स्ट्रेंथ हिंड्रेंस इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ हिंड्रेंस
इंक्रीज होगी, एंड हेंस रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इसको भी नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही हमारा क्या नाम है पोर्शन फिनिश होगा ये वाला, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? नहीं बेटा, दो इसको बेटा, जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये है हमारे पास में एस सी एच ओ, और एक है मेरे पास सी एच थ्री सी एच ओ, और सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, ये तीनों ही क्या है हमारे एल्डिहाइड्स है। तो एल्डिहाइड्स की आपस में रिएक्टिविटी भी सेम नहीं होती टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे ही बताया गया कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है, इसमें एक कार्बन की चेन है, इसमें दो कार्बन की चेन है, इसमें तीन कार्बन की चेन है, तो जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, या ऐसे कहते जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जो होगा साइज में बड़ा होता चला जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप में इंक्रीज होती चली जाएगी, तो समझ लो जो स्टेरिक हिंड्रांस है एल्काइल ग्रुप का वो बढ़ता चला जाएगा और रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मिथेनल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अमंग एल्डिहाइड्स, उससे ज्यादा रिएक्टिव इथेनल, उससे ज्यादा प्रोपेनल, उससे ज्यादा ब्यूटेनल, उससे ज्यादा पेंटेनल। मैंने उल्टे साइड लगा दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथेनल, उससे कम इथेनल, उससे कम प्रोपेनल, उससे कम ब्यूटेनल, उससे कम पेंटेनल। तो क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो साइज बड़ा होता जा रहा है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो हमेशा रिएक्टिविटी घटती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड्स दिए हैं आपस में तो वो भी आपस में सेम रिएक्टिव नहीं हो, तो उनकी रिएक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। इसी प्रकार से मेरे पास प्रोपेनॉन है, एक मेरे पास ब्यूटेनॉन है, ठीक है, एक मेरे पास में पेंटेनॉन है, एक मेरे पास हेक्सेनॉन है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल या मिथाइल फिर इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल। तो जैसे जैसे एल्काइल का साइज बढ़ता चला जाता है, या देखो कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है, तो ओवरऑल स्टेरिक हिंड्रेंस का बढ़ता है और उसकी रिएक्टिविटी हमेशा घटती चली जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज ये चीज आपको माइंड में रखनी है, नोट करके रखनी है। कोई अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एल्डिहाइड्स देगा, कुछ कीटोन्स देगा, इन सबको रिएक्टिविटी को ऑर्डर में लगाओ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें सब इसको। मिटा गया इसको, कोई प्रॉब्लम है आता किसी को मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया सबके? ठीक है। ध्यान से देखो एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करेंगे हम प्यारे बच्चे, कि अगर मेरे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव और क्यों होगा? तो याद रखना इसको मेरे प्यारे बच्चे, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं, कौन से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, आर लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड से क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड से क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनयू का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स ही लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण समझो मेरे प्यारे बच्चे, कारण क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये मेरे पास में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड है। समझ में आ गया क्या है इसका? बेंजल्डिहाइड है, समझ में आ गया। और बेंजल्डिहाइड में हमेशा होता है रिजोनेंस फैक्ट। क्या होता है? रिजोनेंस फैक्ट। तो पहले इस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी बेंजल्डिहाइड की। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, समझ में आ गया। और बेंजल्डिहाइड में ध्यान से देखो रिजोनेंस फैक्ट पाया गया है।
इस ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, जैसे ही बॉन्ड पेयर ऑप्शन तरफ शिफ्ट हुआ तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आ गया होगा। लेकिन जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आएगा तुरंत ही कार्बन बॉन्ड पेयर को यानी पाई बॉन्ड पेयर को रिंग से खींच लेगा अपनी तरफ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जनरेट होगा ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने की वजह से, समझ में आ गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहां पर बना नहीं रहेगा, वो तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा इन द रिंग, यानी यहां से हटकर पॉजिटिव चार्ज रिंग में आ जाएगा। रिंग में क्यों आया, क्योंकि इस कार्बन ने इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लिया अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, और इसने कार्बन ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, क्या कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचकर, यानी डबल बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज उठकर के हां गया रिंग में आ गया। तो आप देख पा रहे हो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कितनी तेजी से रिड्यूस हुआ है, किस वजह से हुआ है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब यहां पर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव कार्बन पर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वेरी स्लो होगा इन एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहां पे लिखेंगे सब नोट करके इसको, इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में, समझ में आ गया, जो कार्बोनल ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो होता है कार्बोनल ग्रुप का, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड रैपिडली बाई आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, पूरा लिख लिया, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से तेजी से रिड्यूस हो जाता है, एंड हेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। समझ में आ गया इतना, क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर मेरे पास में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये वाला बेंजल्डिहाइड वगैरह जैसे, और यहां पर मेरे पास RCO जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये लेस रिएक्टिव होगा, समझ में आ गया, और ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसको आप ध्यान से समझना, नोट कर लें इसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया मैकेनिज्म और उसकी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी कंपेयर करी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, क्यों है, तो सारे डिटेल मैंने आपको समझा दिए। कल मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैं फर्दर एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है नहीं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।